हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल आल्सो बी गुड। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास सिक्स चैप्टर्स 3 साइंस फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर मींस तंतु एंड फैब्रिक मींस कपड़ा। मतलब फाइबर से हम फैब्रिक, तंतु से कपड़ा हम तैयार कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज ए फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। जैसे आपको एक्टिविटी में हम बता रहे हैं, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ with your nail as and do you know find that at this end the yarn splits up into thin strand. You might have observed something similar when you try to thread a needle many a time. मतलब जैसे हम सुई में धागा डालते हैं तो देखते हैं उसके कई छोर निकल जाते हैं, फिर उसको हम कट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। मेनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी और मेड अप ऑफ स्टील थीनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? दीज फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मतलब जो फाइबर्स कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब प्लांट और एनिमल से फाइंड होते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। मतलब वूल जो होता है वो भेड़ या बकरी के स्किन से, फ्लीस से जो है फाइंड होते हैं। इट इज आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉर्क एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो सिल्क वार्म नाम का एक कीड़ा होता है जिसके कोकून से फाइंड किया जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। मतलब हजारों साल पहले जो है, इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। सम प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट एक्सेट्रा। हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? मतलब आपने कभी तेल बाती के दिए आपने बनाए हैं? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillow. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields.
Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climates. Can you name some states of country, our country, where cotton is grown? The fruits of the cotton balls are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. Next, jute. Jute is a fiber that obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in the water for a few days. The stems, root, and fibers are separated by hands to make fabrics. All these fibers are first converted into yarn. Next, spinning cotton yarns. आपको बताएंगे कि कैसे हम जो हैं स्पिनिंग करते हैं कॉटन यार्न का एक एक्टिविटी के थ्रू. होल्ड सम कॉटन वूल इन ए वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear cloth made of homespun yarn termed as khadi, and spun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabrics. Next, yarn to fabric. मतलब yarn से कैसे कपड़ा बनाते हैं, fabric बनाते हैं. There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main processes are weaving and knitting. सबसे पहले हम बात करेंगे weaving की. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. मतलब यार्न के दो सेट एक लाइन में अरेंज करना जो है धागे को जो है वो कहलाता है weaving. नेक्स्ट knitting. knitting किसे कहते हैं? knitting इज डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. ए सिंगल यार्न गेट्स
pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabric. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. Next, history of clothing materials. Have you ever wondered that materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark of big leaves, trees or animal skins and fur to cover themselves. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Winds, animals, fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabric. These early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used to making fabric. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needles, people started stitching fabric to make cloth. Stitched cloth have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. Jute, as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and cloth items. Thank you.